नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक प्रैक्टिस सेट पहला है। ध्यान रखिएगा, हमारा पहला ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम 150 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट अब हम लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा पहला प्रश्न है क्या। पहला प्रश्न है निर्देशन से कि 1 से 2 प्रश्न इसमें से करना है और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को सीधे पढ़ते हैं। गद्यांश ये कह रहा है कि महिलाओं की मर्यादाओं और उनसे दुर्व्यवहार के मामले भी अन्य मामलों की तरह न्यायालयों में ही जाते हैं, किंतु पिछले कुछ दिनों से ऐसे आचरण के लिए स्वयं न्यायपालिका पर उंगली उठाई जा रही है। काफ़ी हद तक यह समस्या न्यायपालिका की नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज की कही जा सकती है। जज भी समाज के अंग है, इसीलिए यह समस्या न्यायपालिका में दिखाई देती है। हमारे समाज में कानून के पालन को लेकर बहुत शिथिलता और अक्सर कानून का पालन न करने को सामाजिक हैसियत का मानक मान लिया जाता है। CIP संस्कृति का मूल सिद्धांत है कि वे जिसे असामान्य नियम कानून नहीं पालन करने होते वह महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। छोटे शहरों कस्बों में सरकारी अफसरों की हैसियत बहुत बड़ी होती है और जज भी उन्हीं हैसियत वाले लोगों में शामिल होते हैं। ऐसे में अगर कुछ जज यह मान लें कि ये तमाम सामाजिक मर्यादाओं में भी ऊपर है तो यह हो सकता है माना यह जानना चाहिए कि जितने ज़्यादा जिम्मेदार पद पर कोई व्यक्ति है उस पर कानून के पालन की जिम्मेदारी भी उतनी ही जाती है। ठीक, तो ये था हमारा गद्यांश। अब सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर पहला है गद्यांश से रिलेटेड कि हमारे समाज में कानून के पालन के प्रति है तो क्या है। तो आप जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा शिथिलता शब्द दिया है, शिथिलता देखा गया है, एक वर्ड में लिखा गया होगा। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो वह वर्तमान न्यायपालिका और जज के बारे में इस बात की गई है। तो हमारा सी वाला विकल्प दूसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, और इस पद्यांश को भी पढ़कर उत्तर आपको देना है तीसरे चौथे प्रश्न का। मेरा माझी मुझसे कहता रहा था, बिना बात तुम नहीं किसी को टकराना, पर जो बार बार बाधा बनकर आए उनके सिर को वहीं कुचल कर बढ़ जाना। जानबूझकर मेरे पथ में आती हैं भाव सागर की चलती फिरती चट्टाने, मैं इनसे जितना भी बचकर चलता हूँ उतने ही मिलती है ये ग्रीवा ताने। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं कि कवि राह में आने वाली बाधाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करने के लिए कहता है। ऑप्शन ए, उनसे घबराकर वापस लौट जाना चाहिए। ऑप्शन बी, उनका सिर झुका देना चाहिए। ऑप्शन सी, किसी सहायकता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ऑप्शन डी, उनके हटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा का क्या सही हो जाएगा, तो वह सही होगा कि उनके सिर को झुका देना चाहिए। आप जब पद्यांश पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार, पद्यांश में जीवन में आने वाली बाधाओं का प्रतीक किसे बताया है, तो वह किसे बताया गया है, तो वह चट्टानों को बताया गया है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। तो गद्यांश पद्यांश खत्म, अब प्रश्नों पर सीधे चलते हैं। प्रश्न नंबर पांच, निम्न में से कनक का अनेकार्थी शब्द है। कनक का अनेकार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी शराब। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो वह होगा गेहूं। कनक को हम गेहूं, धतूरा, सोना तीनों अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर छठवां है कि तरु किसका पर्यायवाची होता है।
तरु किसका पर्यायवाची होता है वो आपको बताना है, तो वह होता है वृक्ष का, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से देशज शब्द है, देशज शब्द आपको बताना है, तो देशज शब्द क्या है, ऑप्शन ए खिचड़ी, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी आई असाइनमेंट और डी वक्त। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसका सही हो जाएगा, खिचड़ी जो है देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम आपको आपको बताना है, ऑप्शन ए कोई नहीं, बी जो और सी यह और डी इनमें से इसने, तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, आठवां का पहला ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रस्तर का तद्भव शब्द होगा, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या होगा आपको बताना है, ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी पत्थर और ऑप्शन डी है चट्टान। तो नवा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो प्रस्तर हम पत्थर को कहते हैं, तो इसीलिए हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, यह वस्त्र उस भिखारी को दे दो वाक्य में कौन सा कारक होगा, ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदा और ऑप्शन डी आपादान। तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो सी वाला विकल्प संप्रदा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, दुख संतृप्त में कौन सा समास है आपको बताना है, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद और ऑप्शन डी द्विंगु। तो कौन सा समास है इसमें, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, विपजजाल का संधि विच्छेद आपको बताना है कि विपजजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए विपद प्लस जाल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है विपद विजप जाल और ऑप्शन सी विप जाल और ऑप्शन डी विप जाल। तो जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प, विपद जाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, जिनके बिना कार्य न चले सके, जिनके बिना कार्य न चल सके वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए आपको बताना है, ऑप्शन ए परिहार्य, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी अनिवार्य और ऑप्शन डी अपरिहार्य। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी वाला अपरिहार्य वाला विकल्प जो है, डी वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 14, और प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद बताइए, कौन सा भेद है आपको रचना के आधार पर बताना है, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा विकल्प सही होगा वो सी वाला विकल्प, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ बताइए, ऑप्शन ए कठिन कार्य करना, ऑप्शन बी सरल कार्य करना, ऑप्शन सी अडंग रहना और डी युद्ध करना। तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो ए वाला विकल्प, कठिन कार्य करना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, धैर्य का भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस विशेषण से हुआ है, ऑप्शन ए धीरज, ऑप्शन बी धीरता और ऑप्शन सी धीर, इनमें से कोई नहीं, डी वाला विकल्प है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है, तो जो सही विकल्प होगा वो धीर वाला विकल्प, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, पटाखा किस भाषा का शब्द है आपको बताना है, पटाखा ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी पश्तो, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी जर्मनी। तो पटाखा किस भाषा का शब्द है, तो वह है ऑप्शन बी वाला विकल्प, पश्तो भाषा का शब्द है, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अंत और ऑप्शन सी अ और डी अत्य अत्य। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो वो होगा ऑप्शन पहला अति, जो विकल्प है वह पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, अति उपसर्ग इसमें लगा है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19, वानर व विष्णु के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी हरि, ऑप्शन सी चंद्र और ऑप्शन डी सूर्य। कौन सा विकल्प 19 का सही हो जाएगा, तो 19 का जो विकल्प सही होगा वह हरि शब्द सही होगा, वानर और विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से अंत्यस्त व्यंजन है, अंत्यस्त व्यंजन है ऑप्शन ए बड़ा स, बी य, सी मूर्धन्य स और डी ह, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब हमारा जो हिंदी के 20 प्रश्न थे वो पूरे हो गए, अब हम इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इंग्लिश वाले को उत्तर आपको देना है 2 प्रश्नों के, तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्टली इसके प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 से,
हाउ इज माउंटेनियर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट? ऑप्शन ए, इट इज ए मोस्ट थ्रिलिंग एंड एग्जिटिंग स्पोर्ट। ऑप्शन बी, देयर इज ए नो कंपटीशन इन दिस स्पोर्ट। और सी, इट इज ए वेरी रिस्की स्पोर्ट। और डी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 21 का? तो जो सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प, जो है इसका सही हो जाएगा 21 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 22, व्हाई डिड पीपल इज द एड्स एंड द हिमालय मेड माउंटेन जर्नीज? ऑप्शन ए, बिकॉज दे हैड इनविटेबल पार्ट इन द एवरीडे लाइफ। ऑप्शन बी, बिकॉज दे प्रेफर डिफरेंट राउंड फ्रॉम रिग्रेटर इंजॉयमेंट। और सी, बिकॉज मोर पीपल कम इन द एड्स एंड हिमालय फॉर माउंटेनियरिंग। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा विकल्प इसका सही होगा 22 का? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं इस गद्यांश को पढ़कर, आपको 23 से 24 वाले प्रश्न का उत्तर देना है, तो गद्यांश भी पढ़ लेते हैं। चलिए, छोटा है तो देखिए। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई हैव बीन ड्रिंकिंग लाइक द लेज लीज ऑल टाइम्स, आई हैव एंजॉयड इट ग्रेटली, हैव सफरिंग ग्रेटली बोथ विथ द दोज दैट लव्ड मी एंड अलोंग इन श्योर। आप प्रश्न नंबर 23, द स्पीकर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, द स्पीकर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शन ए, ए ट्रेवलर, और एन एडवेंचर, और सी वाला विकल्प है ए टूरिस्ट, और डी नोन ऑफ देज। ऑप्शन कौन सा 23 का सही हो जाएगा? तो वो बी वाला विकल्प, एन एडवेंचर जो सही हो जाएगा 23 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं 24, और गिविंग द फिंगर ऑफ द स्पीच यूज इन द ड्रिंकिंग लाइफ ऑफ द लीज। ऑप्शन ए मेटाफोर, सी सिंपली सिमिली, सी परसोनिफिकेशन, और डी एंटीथेसिस। ऑप्शन कौन सा 24 का सही होगा? तो वो सी वाला विकल्प, परसोनिफिकेशन वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इंग्लिश के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं फ्लोइंग सेंटेंस डायरेक्ट वाला बताना है आपको, फ्लोइंग सेंटेंस 25 से 30 वाले प्रश्न को, फ्लोइंग सेंटेंस इन द डायरेक्ट। प्रश्न नंबर 25, चेंज ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। क्या है कि आई सेड टू हिम, वे आई वांट, देयर ही वाज स्लीपिंग, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ऑप्शन ए टोल्ड हिम दैट वे आई वुड, देयर ही वॉच स्लीपिंग, और बी वाला विकल्प है कि आई टोल्ड हिम दैट वेन ही वॉन्ट देयर ही वॉच स्लीपिंग, सी वाला विकल्प आई टोल्ड हिम दैट वेन आई वुड देयर हु वुड स्लीपिंग, और डी वाला विकल्प है आई टोल्ड हिम दैट वेन ही वेंट देयर ही हैड स्लीपिंग। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 25 का? तो हमारा पहला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26, और प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि फिल द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएटेड आर्टिकल्स यूज करना है, जैसे रीमा एच आई रेस्टेड ऑन डैश डैश लेटर हेयर वॉच डैश डैश अपॉर्चुनिटी सी हैड बीन वेटिंग फ्रॉम। कौन सा आर्टिकल का इन दोनों विकल्प खाली स्थान पर प्रयोग होगा वो आपको बताना है। तो 26 का विकल्प हमारा सी वाला विकल्प, दोनों जगह द का प्रयोग किया जाएगा, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर सीधे चलते हैं 27 पर, और प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोचिंग 27 प्रश्न नंबर 27 अप्रोचिंग प्रीपोजिशन इस यहाँ पर प्रयोग करना है। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो डू नॉट वे हेयर डैश डैश सच इन द प्रॉब्लम। ऑप्शन ए एट, बी विथ, सी इन, और डी टू वाला विकल्प टू होगा। तो इसमें से कौन सा 27 का विकल्प सही होगा? तो वो विथ का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है सच के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, राइटिंग डाउन द ओपोजिशन मीनिंग्स इन ऑफ द वर्ड पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का अपोजिट आपको बताना है कौन सा मीनिंग्स होगा। ए ऑप्शन ए है ओपन सेट, बी फीबल, सी फेटलिस्टिक, और डी ऑप्टिमिस्ट।
तो 28 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो हो जाएगा हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, और ये प्रश्न कह रहा है कि राइटिंग डाउन द वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड सेंटेंस, यानी कि एक वर्ड बताना है। कस्टम ऑफ हैविंग मे विप्स, ऑप्शन ए बायो बिग मे, बी फैल्यूगेमी डिस्टिट्यूट और फिलोलॉजिस्ट, डी वाला विकल्प है। तो इसमें से कौन सा विकल्प 29 का सही हो जाएगा, तो वो है फैल्यूगेमी जो है विकल्प हमारा, जो डी वाला विकल्प जो है 29 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि राइटिंग डाउन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेज एंड द यूज्ड बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, और इडियम्स आपको इसमें से बताना है इडियम्स फ्रेज के बारे में। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी हैज बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सिबलिंग, ऑप्शन ए यूजिंग अनफेयर मींस, सी है बी ऑप्शन कंप्लीटली कनयूज्ड, और सी है समथिंग दैट कैन इरेबल और नॉन ऑफ द जीज, डी वाला विकल्प है। तो 30 का कौन सा विकल्प सही होगा, वो होगा सी वाला विकल्प, इसका सही हो जाएगा 30 का। अब हमारा 10 नंबर जो है ये इंग्लिश का खत्म, अब संस्कृत पर आ जाते हैं। 31 प्रश्न कह रहा है कि अध्यापि संधि विच्छेद कुरूपे, अध्यापि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो कौन सा 31 का सही हो जाएगा विकल्प, तो वो है अध प्लस अपि, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, दिए गए संस्कृत वाक्य में रेखांकित अंश को शुद्ध कीजिए। सरोवरे नील कमलानी शोभन्ते, इसमें से नील कमलानी जो है उसको शुद्ध करना है कि इसमें से कौन सा होगा विकल्प के आधार पर। ए वाला नीलानी कमलानी, बी नील कमलानी, सी नीलानी कमलानी और डी नीलम कमलानी। तो कौन सा विकल्प 32 का सही हो जाएगा, तो वो होगा सी वाला विकल्प जो है नीलानी कमलानी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33, और प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि दिए गए संस्कृत वाक्य में रेखांकित अंश को शुद्ध कीजिए। गुरुणाम आज्ञा पालन अनियर, ऑप्शन ए पालनिया, बी पलनिया और सी पलनियर और डी पलानियर, कौन सा विकल्प सही होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, वने पशु डैश डैश भ्रमंती, ऑप्शन ए एव, ऑप्शन बी इदानिम और सी अधुना और डी इतस्ततः, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा 34 का, तो वो हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, कनिका सुगंधे अध समारोह की डैश डैश, ऑप्शन ए भवती, ऑप्शन बी भवंती, ऑप्शन सी भवेत और ऑप्शन डी भवत, तो हमारा विकल्प जो इसका पहला वाला विकल्प भवती जो है सही हो जाएगा। 35 का ए वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे, और 36 प्रश्न कह रहा है कि दौ छात्रों डैश डैश दौ छात्रों क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए गच्छत गच्छत, ऑप्शन बी गच्छामि, ऑप्शन सी गच्छानी और ऑप्शन डी गच्छसी, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 36 का, तो हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37, और वह है क्या कि महर्षि सर्वपूज्य संधि विच्छेद कुरूपे, महर्षि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, हमारा सी वाला विकल्प जो है इसका 37 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 38 और 39 प्रश्न को, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, हम सीधे प्रश्न पढ़ते हैं। और 38 प्रश्न करा कि कम कर्मालय इति कस्य अपर नाम अस्ति, कर्मालय इति कस्य अपर नाम अस्ति आपको बताना है। तो देखिए कर्मालय इसका जो ऑप्शन है जगत, बी जना और सी योग और डी है कर्म, तो कौन सा विकल्प 38 का सही होगा, तो वह ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा जना। देखिए ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा एकदम साफ साफ लिखा गया है। 39 कर्मसु कौशले की कथ्यते, कर्मसु कौशले की कथ्य के, ऑप्शन ए भोग, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी धर्म। तो 39 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो वह योग का कौशल की बात कर रहा है, बी वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। आप थ्योरी उसका गद्यांश पढ़ेंगे तो सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। अब पद्यांश आ गया संस्कृत का, और उसको पढ़ने के बाद
40 प्रश्न का आपको 40वें प्रश्न का उत्तर देना है। तो पृथ्व्या त्रि रत्नानि जलमग्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडे रत्न संज्ञा विद्यते। और प्रश्न 40 कह रहा है कि पाषाण खंड ते कै रत्न संज्ञा विधायक थे, पाषाण खंडे कै रत्न संज्ञा विधायक थे। ऑप्शन ए है मूढ़े, बी है जनय, सी है धनय और डी है ज्ञानय। तो 40 का हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये साफ मिल रहा है, तो हमारा सरल प्रश्न है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, सिल्वर क्लोराइड AgCl की क्रिया अमोनिया NH3 गैस से कराने पर कौन सा शंकर लवण प्राप्त होता है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, धातु ऑक्साइड के कार्बन के साथ उच्च ताप पर अपचयन करने की विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए प्रगलन, बी संघनन, सी वाष्पीकरण और डी संशोधन। तो 42 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो होगा प्रगलन कहते हैं उसको, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, और फफोलेदार ताबे में कापर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, फफोलेदार ताबे में कापर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो वह ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 43 का 98% कापर और सिल्का, निकिल, जिंक, आर्गन 2% होता है। ऑप्शन चौथा प्रश्न है कि ओजोन अपक्षय होता है ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, बी CH4 और सी SO2 और डी NO2। तो किससे होता है ओजोन परत का क्षरण, तो वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, शरीर के लिए विटामिन सी आवश्यक है। ऑप्शन ए मशूनों के विकास के लिए, ऑप्शन बी मशूनों के निर्माण के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं, डी वाला विकल्प है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो वह सी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, एक हीमोग्लोबिन अणु के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, O3 जुड़े होते हैं। तो कितने जुड़े होते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा 46 का विकल्प कौन सा सही होगा, तो वो होगा 4 अणु जुड़े होते हैं, सी वाला विकल्प जो है 46 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पर, और ब्लू क्रांति का संबंध है, ब्लू क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए गेहूं उपज से, ऑप्शन बी मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं, डी वाला विकल्प है। तो इसमें से 47 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो बी वाला विकल्प जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 48, स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितनी। ऑप्शन ए 10 सेमी, ऑप्शन बी 15 सेमी, ऑप्शन सी 25 सेमी, ऑप्शन डी 30 सेमी। तो कितने सेमी की दूरी होती है, तो वह होती है 25 सेमी, सी वाला विकल्प जो है 48 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि चित्र के प्रदर्शित आवर्त गति में तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तरंग की आवृत्ति आपको इसमें से ज्ञात करना है। तो देखिए, 49 का विकल्प है 2.5 प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 5 प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 4 प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी 0.4 प्रति सेकेंड। तो हमारा कौन सा विकल्प 49 का सही हो जाएगा, तो वह होगा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, किसी वस्तु की उस अवस्था का उदाहरण दें जिसमें वस्तु का त्वरण नियत हो किंतु वेग शून्य हो। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि घर्षण बल के कारण त्वरण, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिक्रिया के कारण त्वरण और डी वाला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का कौन सा विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं मैथ वाले प्रश्नों पर, साइंस के थे वो सब, मैथ के अब आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 51, समान आयतन के दो लंबी वृत्त बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो उनके अर्धव्यासों के अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए कड़ी में 2:1, ऑप्शन बी 1:2, सी प्रश्न विकल्प कर रहा है 2:1 और डी 1:2। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका, क्योंकि मैथ का सवाल है तो मैथ का तो आपको हल करना पड़ेगा। और 51 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, निम्न सेट का औसत ज्ञात करें। निम्न सेट का औसत आपको ज्ञात करना है, 12, 17, 5, 2, 97, 242, 6, 19 का औसत ज्ञात करना है। तो आप एक तरह से ज्ञात करिएगा, पदों का योग बटा पदों की संख्या से भाग दीजिएगा, औसत आएगा। हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 53, एक शंकु आकार बर्तन के अंदर की त्रिज्या 12 सेमी और ऊंचाई 50 सेमी है, किसी तरल पदार्थ से भरा हुआ है, तो इस तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में किस का अंदर का अर्ध व्यास 10 सेमी है, तो उलट दिया जाए तो बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई होगी। तो देखिए ये भी मैथ का थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका विकल्प जो सही होगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, दोनों में एक ही दिया है तो ध्यान रखिएगा दोनों विकल्प सही हैं इसके। ठीक, प्रश्न नंबर 54, और ये प्रश्न नंबर 54 दिया है कि कणी में 5+2 कणी में 6 माइनस 1/2 कणी में 5+2 कणी में 6 का मान जब हल करेंगे आप, तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा कौन सा विकल्प, तो जो हमारा डी वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा 54 का। 55 वाले प्रश्न पर देखते हैं, तो 243 पर घात है 0.16 का और गुणे 243 पर जो घात है 0.04 का घात है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा इसको आप जब हल करेंगे तो हमारा जो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 55 का ए वाला विकल्प ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे, और प्रश्न नंबर 56 है कि 0.05 × 0.05 × 0.05 × 0.05 को सरलीकरण करने पर आपका परिणाम क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इसका जो है ना a पर q माइनस b पर q, और जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा और इसमें माइनस करेंगे तो हमारा c वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प जो है 56 का सही हो जाएगा। और ये इसका प्रश्न नंबर 57 का 1+1/2+1/4+1/7+1/14+1/24+ का बराबर करने पर, तो देखिए इसका लसा 28 आ जाएगा, नीचे रख देंगे और ऊपर रखने के बाद जब आप इसको हल करेंगे तो हमारा जो दो आंसर आएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 58, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजन 102 रुपये है, तो इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज पर ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज यहाँ पर पूछ रहा है, तो पहले जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो उसका मूलधन आपको प्राप्त होगा और उसी मूलधन को आप पी गुड़े एन गुड़े टी पर रख देंगे ना, तो ये साधारण ब्याज पर रख देंगे तो आपका आंसर डी वाला आएगा, सही हो जाए 58 का डी वाला विकल्प। अब प्रश्न नंबर 39, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बिकाना है आपको, ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो देखिए इसका एक साथ ट्रिक होता है, देखें जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य साथ हो तो ए माइनस बी बटा बी गुड़े 100 पर आप जब रखेंगे तो इसका आंसर आपको चला आएगा, ये बी रखना है, तो डायरेक्टली आप 6/30 रख देंगे और गुड़े 100 और हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प 59 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, और प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि 841 का वर्ग मूल 29 है, तो कणी में 0.0000841 का बराबर क्या होगा, तो इसका विकल्प ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, कणी में 2 × 4 कणी में 4 × 2 × 8 का मान क्या होगा, तो इसको जब आप हल करेंगे ना तो हमारा ए बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, दोनों का मान 4 बचेगा तो 3 × 4 बचेगा और जुड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, व्यंजक 30 × 15 × 18 × 10 × 7 × 12 में रूट संख्या के कुल कितने घटक होंगे, तो देखिए इसका जब आप नीचे वाले का फैक्टर करेंगे, यानी कि जब फैक्टर धीरे धीरे नीचे वाले का जब आप करेंगे तो उसके बाद जब फैक्टर हो जाता है तो हमारा जो मान आएगा जो उत्तर आएगा 62 का वो आ जाएगा, हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 62 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 63, और प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि किसी कक्षा में 60% छात्र गणित पढ़ते हैं तथा 55% छात्र रसायन साथ पढ़ते हैं, यदि 25% छात्र दोनों विषय को पढ़ते हैं तो ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो न तो गणित और न ही रसायन पढ़ते हैं।
तो आपका कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? तो हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि 60 को और 55 को जोड़कर 25 उसमें से घटा देंगे, और फिर जब 100 में से घटाएंगे ना तो यही हमारा मान आ जाता है। ध्यान रखिएगा, 60 प्लस 55 माइनस 25 इसका मान करेंगे तो आपको, और फिर इसके बाद 100 में से इसको सभी में को घटा देना है, ध्यान रखिएगा, और उसका मान सी वाला विकल्प आ जाएगा। प्रश्न नंबर 64, 4.2, 8.4 तथा 7 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? अनुपात से ये प्रश्न है, और इसका चतुर्थानुपाती की अगर हम बात करें तो वो हमारा 64 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाह्य राशियों का गुणनफल, मध्य राशियों का गुणनफल, इस पर आप लगाइएगा 2, 8.4 और 1.7, और चौथा हमारा x हो जाएगा। और बाह्य राशियों का गुणनफल, मध्य राशियों का गुणनफल आप करेंगे तो आपका जो आंसर ए वाला आ जाएगा। प्रश्न नंबर 65, यदि दो संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 180 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो इसको जब हल करेंगे ना तो हमारा जो 65 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा हमारा 18, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा हमारा 180। और जब आप इस सूत्र पर हल करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस वाई पर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इस पर आप हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा हमारा डी वाला विकल्प, इसका सही हो जाएगा 65 का डी वाला विकल्प, ध्यान रखिएगा। 66 प्रश्न, 32:37 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाएगी परिणामी अनुपात 4:5 हो जाएगा? तो देखिए, 32 - x / 37 - x = 4/5। अब जब इसको आप हल करेंगे ना तो आपका उत्तर जो आएगा वो उत्तर जो कौन सा आएगा, तो वह आएगा बी वाला विकल्प जो हमारा 12 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, आप हल उसको करिएगा। प्रश्न नंबर 67, संख्या 25-01 तथा 52-10 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। तो 1 का 2000 हो जाएगा और 1 है 200 हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो हमारा 1800 आंसर आ जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, एक क्रिकेटर 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए, यानी कि 2 रन उसको बढ़ रहा है। तो 11 × 2 यानी कि हमारा जो 22 हो जाएगा ये, और 22 और 60 प्लस 22 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 82 आ जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथी प्रश्न है, एक समूह का पी क्यू आर से भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि क्यू आर बराबर आर एस हो जाए और पी को एस में मिला दिया जाए, तदनुसार कोण पी एस आर का माप आपको बताना है, इसका मान आपको पूछ रहा है। तो इसका जो विकल्प जो सही होगा वो होगा 30 अंश होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 70, और प्रश्न नंबर 70 थोड़ा घुमावदार प्रश्न है, तो इस चीज़ को तो ऐसे ऐसे प्रश्न, एक आध दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वह बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हमारा खत्म हो गया मैथ, अब आ जाते हैं चिक्के। प्रश्न नंबर 71, ब्रिटेन में ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर को क्या कहते हैं? तो ब्रिटेन में ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए 0 देशांतर, ऑप्शन बी 180 देशांतर, ऑप्शन सी 0 अक्षांश, और डी 180 अक्षांश। तो हमारा विकल्प जो है ए वाला विकल्प 0 देशांतर कहा जाता है, इसको समय तिथि रेखा को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, और भारत का पश्चिमी तटीय प्रदेश जिसमें 4 भागों में बांटा गया है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है आपको बताना है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए बड़ोदरा से चेन्नई, ऑप्शन बी बड़ोदरा से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी सूरत से चेन्नई, और ऑप्शन डी सूरत से कन्याकुमारी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी तट की बात हो रही है तो सूरत से कन्याकुमारी तक 4 भागों में बांटा जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? आपको बताना है, ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिंग, बी लॉर्ड बिलेजली, और सी बेंजामिन डी जर राउली, और डी लॉर्ड कर्जन। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो सी वाला विकल्प बेंजामिन डी जरौली ने दिया था। प्रश्न नंबर 74, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी स्टील अलकॉट, और सी ब्लेवस्की
ऑप्शन डी, बी और सी। तो हमारा जो 74 का विकल्प सही होगा वो होगा डी विकल्प, इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सबको पता है, आयरलैंड के संविधान से, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन संबोधित करता है प्रथम सत्र को, कौन संबोधित करता है? तो ऑप्शन ए वाला विकल्प 76 का सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 77 है कि भारत में डीजल इंजन आधुनिकरण कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1973 में लखनऊ में, ऑप्शन बी 1983 में पटियाला में, और सी 1986 में वाराणसी में, और डी 1993 में चंडीगढ़ में। तो कहां पर डीजल इंजन आधुनिकरण कारखाना स्थापित किया गया था? तो वह है बी वाला विकल्प, 1983 में पटियाला में स्थापित किया गया था। तो 77 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 2026 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करना, ऑप्शन बी 2021 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करना, ऑप्शन सी 2040 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करना, ऑप्शन डी 2045 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करना। तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो होगा डी वाला विकल्प जो है 78 का सही हो जाएगा कि 2045 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करना। तो 78 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 79, सम्मान पर्व का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी पंजाब। तो किस राज्य से है आपको बताना है? तो उत्तराखंड राज्य से होगा सम्मान पर्व का, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 80, गेंडा परियोजना की शुरुआत कब और कहां हुई थी? ये आपको बताना है। 80 प्रश्न कह रहा है कि गेंडा परियोजना का शुरुआत कहां और कब हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1980 में उत्तराखंड में, बी 1983 में कर्नाटक में, और सी वर्ष 1987 में असम में, और डी वर्ष 1991 में तेलंगाना में। तो गेंडा परियोजना की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो 80 का सी वाला विकल्प जो है 1987 में असम में किया गया था। अब प्रश्न नंबर 81, शिक्षण की डाल्टन विधि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए हेलन पार्कर हर्स्ट, बी डीवी, और सी आर्मस्ट्रांग, और डी ये सभी। तो हमारा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 81 का हेलन पार्क हस्टे थे। प्रश्न नंबर 82, कोलन ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी चिंपैंजी, ऑप्शन डी कुत्ता। तो किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? तो वह प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, लेविंग ने क्षेत्र सिद्धांत में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा जीवन विस्तार एवं, और सी अवरोध, और डी उपयुक्त सभी। तो 43 का हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है या किसका कथन है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, बी कोलर, सी स्किनर, और डी डीवी। तो कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये स्किनर महोदय का है, और सी वाला विकल्प जो है 84 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85, सामंजस्य शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो पहला है सार्थक शिक्षा अनुकूलन वातावरण में उपलब्ध कराना, बी केवल पर्यावरणीय शिक्षा उपलब्ध कराना, और सी केवल स्कूली शिक्षा उपलब्ध करना, और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका पहला विकल्प जो है 85 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, बेसिक शिक्षा योजना की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो किसने प्रस्तुत की थी? तो इसको महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87, इस्पात समिति का गठन क्यों किया गया? तो ऑप्शन ए छात्रों के भार को कम करने एवं अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझाव के लिए, और ऑप्शन बी छात्रों के अधिगम स्तर को और कठिन करने हेतु, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा विकल्प ऑप्शन नंबर 87 का, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन किस रूप में सहायक होता है। ऑप्शन ए क्योंकि इससे स्व मूल्यांकन संभव है, ऑप्शन बी क्योंकि इसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं, और ऑप्शन सी क्योंकि यह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ स्व मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन की भूमिका को स्पष्ट करता है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 88 का जो विकल्प हमारा सही होगा वो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 और यह है पठन एवं लेखन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए इससे अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, ऑप्शन बी इससे शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ऑप्शन सी इससे अक्षर विन्यास एवं शब्द शुद्धता पूर्वक उच्चारण आसान हो जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा हमारा सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन स्किनर, ऑप्शन बी एविंगहास, सी गेस्टाल्ट और डी थंडाइक। तो हमारा डी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा, सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 91 पर और 91 प्रश्न के पीएफ का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी शाब्दिक परीक्षण और डी अशाब्दिक परीक्षण। तो पीएफ का प्रयोग जो है पर्सनालिटी फैक्टर व्यक्तित्व का मापन करता है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 91 का। प्रश्न नंबर 92 दिए गए विकल्पों में से व्यक्ति भिन्नता का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है 92 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 93 बच्चे में परिपक्वता किस अवस्था में आती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में परिपक्वता की अवस्था आ जाती है, तो किशोरावस्था में आ जाती है। सी वाला विकल्प जो है 93 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 और कह रहा है कि प्रत्यागमन सिद्धांत का अर्थ है। ऑप्शन ए माता पिता के समान गुण वाले संतान का होना प्रत्यागमन सिद्धांत है, ऑप्शन सी माता पिता के गुणों के विपरीत गुण वाला संतान का होना प्रत्यागमन सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो बी वाला विकल्प जो है 94 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 अभिप्रेरणा के प्रमुख चक्र कौन 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 से हैं। ऑप्शन ए अंतर्नोद, ऑप्शन बी प्रोत्साहन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा के चक्र में ये दोनों आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 95 का। प्रश्न नंबर 96 किसने कहा कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी लेविंग, ऑप्शन सी थंडाइक, ऑप्शन डी डीवी। तो किसने कहा था, तो मूल प्रवृत्ति, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 96 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 किसी व्यक्ति द्वारा नशे का सेवन किया जाना इस क्रिया में किस प्रकार का अभिप्रेरक सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन ए अर्जित प्रेरक, अभिप्रेरक स्व स्व अभिप्रेरक, और सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 97 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो अर्जित अभिप्रेरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी चिंपैंजी, ऑप्शन डी कुत्ते। तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। 99 प्रश्न सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन ए कोलर, ऑप्शन बी कोरोंक्रो, सी लेविंग और डी गेस्टाल्ट। तो किसने बढ़ावा दिया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सीखने का, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 99 का सही हो जाएगा वो होगा डी वाला विकल्प गेस्टाल्टवादियों ने, कोलर भी उसी में आ जाएंगे, तो डी वाले पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 100 गहन मानसिक मंदबुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए 20 से ऊपर, ऑप्शन बी 20 से कम, ऑप्शन सी 25 से नीचे, और ऑप्शन डी 30 से नीचे। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 100 का। प्रश्न नंबर 101 उत्तर प्रदेश में एमनेस्टी योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए बिजली बिलों के भुगतान से, ऑप्शन बी बिजली को हर जगह तक पहुंचाने से, ऑप्शन सी बिजली का उत्पादन बढ़ाने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एमनेस्टी योजना का संबंध किससे है, तो वो है हमारा ए वाला विकल्प बिजली बिलों के भुगतान से। प्रश्न नंबर 102 नमामि गंगे जागृति यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 28। तो कितने जिले सम्मिलित हैं, तो वह हैं 25 जिले इसमें सम्मिलित हैं, सी वाला विकल्प जो 102 का सही हो जाएगा। 103 प्रश्न और वह है कि आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ कहां मनाई गई। ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भवन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ जो है वह लाल किले पर मनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 103 का सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 104 और 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल, बी वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, सी बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल और डी दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली। तो ये कहाँ किया गया था? तो वह मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 105। तपेदिक टीबी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कब खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित है? तो वह ऑप्शन ए वर्ष 2020, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2030, ऑप्शन डी वर्ष 2035। तो कब तक निर्धारित है? तो हमारा 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है टीबी को खत्म करने का। प्रश्न नंबर 106, पंचायती राज को लागू हुए कितने वर्ष हुए आपको बताना है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 24 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो कितने वर्ष हो गए हैं? 106 का जो हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, मैन बुकर पुरस्कार 2018 में किसे प्रदान किया गया? देखिए ये थोड़ा करंट इसका थोड़ा पुराना है, तो करंट से आप घबराइएगा मत। ऑप्शन ए एना बर्न्स, ऑप्शन बी आर्थर एरिस्कन, सी जेम्स एलिसन और डी एनिस मुकवेगे। कौन सा विकल्प आपका सही होगा 107 का? तो वह ए वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। एना जो है हमारा ए वाला विकल्प एना बनर्स को दिया गया था। प्रश्न नंबर 108, कालादान योजना का संबंध किससे है? तो म्यांमार, और ऑप्शन ए है कि म्यांमार की सौर ऊर्जा परियोजना से, ऑप्शन बी म्यांमार का सितवे बंदरगाह से, सी भारत म्यांमार के बीच यातायात सुविधा से, और उपयुक्त में से कोई नहीं डी वाला ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है 108 का। तो म्यांमार का जो सितवे बंदरगाह है उसके लिए ये योजना चलाई गई थी, कालादान परियोजना का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109, वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया गया था? तो देखिए ये थोड़ा करंट पुराना है, साहित्य के क्षेत्र में वो जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था 2018 का। प्रश्न नंबर 110, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए शंख सुघोष, कृष्णा शोभती, बी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन ममता कालिया और डी मधुकर। तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? तो वह होगा कृष्णा शोभती को दिया गया था। प्रश्न नंबर 111, द एपिक स्टोरी द वर्ल्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए दिनेश त्रिवेदी, बी गुलाम नबी आजाद, सी कुशानव चौधरी और डी नीलम शर्मा। तो किसने किया है इसकी रचना? तो वह है सी वाला विकल्प, कुशानव चौधरी ने किया है। प्रश्न नंबर 112, चीन की राजधानी का नाम बताइए? तो सबको पता है कि बीजिंग उसकी राजधानी है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब आ जाए प्रश्न नंबर 113, पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बुद्धचरित, ऑप्शन सी नागार्जुन और डी विष्णु शर्मा। तो इसकी रचना जो है विष्णु शर्मा ने किया है, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भोपाल। तो लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर में स्थित है, सी वाला विकल्प जो है 114 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए महासागरों का, ऑप्शन बी महाद्वीपों का, ऑप्शन सी खेलों का और इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प सही होगा वो हमारा बी वाला विकल्प, महाद्वीपों का वो प्रतीक होते हैं जो 5 छल्ले होते हैं, 115 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो थोड़ा करंट पुराना है, तो ये जो खेल जो है दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुआ था, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गीता मित्तल को, ऑप्शन बी रेखा शर्मा को, ऑप्शन सी इंदु मल्होत्रा को, ऑप्शन सी सीमा नंदा को। तो किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है किसे, रेखा शर्मा को, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 117 का। प्रश्न नंबर 18, लोकसभा की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी नीलम कपूर, ऑप्शन सी स्नेहलता श्रीवास्तव और ऑप्शन डी गीता मित्तल। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर सचिव पूछा है, तो हमारा सी वाला विकल्प जो है स्नेहलता श्रीवास्तव सही हो जाएगा 118 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 119, भारत और उसके विरोधाभास की किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी शबा नगवी
नकवी और सी सलयान खुर्शीद और डी अमर्त्य सेन। तो ये किसकी रचना है? भारत और उसके विरोधाभास की, तो ये अमर्त्य सेन की रचना है। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 120। 18वें एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो कौन सा विकल्प 120 का सही हो जाएगा? तो वो है इंडोनेशिया वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी जयसिंह सिद्धिराज और डी गोविंद तृतीय। तो किसके दरबार में ये थे, विद्वान थे हेमंत चंद्र, किसकी सभा में थे? तो वह 21 का विकल्प सी वाला विकल्प, जयसिंह सिद्धिराज के जो दरबार में थे, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और डी जो है राजा राम मोहन राय। तो हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 122 का डी वाला विकल्प। 123। नरोड़ा आर्विक संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी प्रतापनगढ़ और डी कानपुर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नरोड़ा आर्विक संयंत्र जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। प्रश्न नंबर 100 अब आ जाते हैं 24 और वो है स्वर्थी सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए के बिड़ला, बी भारत सरकार, सी फोर्ड फाउंडेशन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो स्वर्थी सम्मान जो है ना किसके फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह प्रदान किया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, बिरला फाउंडेशन के बिरला, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के डैश जैसे संबंधित हैं, वो कहां से निवास करते हैं? ये चीज आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रयागराज, बी गोरखपुर, सी मेरठ और डी बागपत। तो 125 का जो विकल्प सही होगा वो मेरठ सही हो जाएगा, मेरठ से निवास करने वाले हैं सौरभ चौधरी। प्रश्न नंबर 26। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुरजीत भल्ला, बी रथिन राय और सी एन के सिंह और डी रतन वाटल। तो कौन सा विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा? तो वह 126 का सी वाला, एन के सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 127। बसाड बखीरा की लाट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राज्य गृह। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये वाला विकल्प वैशाली में यह स्थित है, बसाड बखीरा की लाट, ऑप्शन नंबर 27 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। ग्रीक बौद्ध शैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बेसर, ऑप्शन डी गांधार। तो ग्रीक बौद्ध शैली किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है गांधार शैली को कहा जाता है, डी वाला विकल्प जो 128 का सही हो जाएगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 129। आरंभिक बुद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी सिंध, सी पेशावर और डी राजस्थान। तो कहाँ आरंभिक बुद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह मिली है पेशावर से, पाकिस्तान में है, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाए गया 129 का। प्रश्न नंबर 130। खड़ी हुई जैन मूर्ति किस मुद्रा में है? ऑप्शन ए कायोत्सर्ग मुद्रा में, बी ध्यान मुद्रा में, सी योग मुद्रा अवस्था में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 130 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा कायोत्सर्ग मुद्रा में, जैन मूर्ति मुद्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला विकल्प जो है सही हो जाए का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 131। दिए गए श्रृंखला को अन्य तीन से भिन्न है, इसे बताइए। पी ओ जी सी के एल आई जेड और बी यू डी एक्स और पी ई एम भी। ऑप्शन कौन सा 131 का सही हो जाएगा? तो वो होगा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, तीनों से यह एक भिन्न है। प्रश्न नंबर 132। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दिए गए सेट बिल्कुल समान है? दिए गए सेट को 7, 56, 70 के समान कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है और इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। 100 यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, तो इसका हल करेंगे तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 133 का? तो तीसरा बी वाला विकल्प जो 133 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 134 पर। प्रश्न नंबर 34, 5 प्रश्न रीजनिंग से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 134 क्या कह रहा है कि कौन
कौन सी आकृति पशुओं, सब्जियों और आलू के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, पशु, सब्जी और आलू को कौन सा चित्र प्रदर्शित करता है? तो पशु अलग होते हैं, सब्जी चीज अलग होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 34 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 135, और प्रश्न नंबर 135 कह रहा है कि मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचा कर मैंने पाया कि उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देरी से आया था, तो गोष्ठी का नियमित समय क्या है? तो देखिए, ध्यान से अगर इसको आप पढ़ेंगे तो हमारा बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 135 का। प्रश्न नंबर, अब कंप्यूटर के 5 प्रश्न आ गए हैं और उसको देख लेते हैं। कंप्यूटर के 5 प्रश्न, कंप्यूटर के माध्यम से समझा जाने वाला सूचनाओं का प्रकार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सूचना, बी डाटा, सी सॉफ्टवेयर और डी निर्देशन। कौन सा विकल्प 136 का सही हो जाएगा? तो वह होगा बी वाला विकल्प, उसको डाटा कहते हैं। प्रश्न नंबर 137, हाइपर टेक्स्ट की उन्नत तकनीक क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हाइपर मीडिया, बी हाइपर टेक्स्ट और सी हाइपरलिंक, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प 137 का सही हो जाएगा? तो ये वाला विकल्प जो है हमारा हाइपरमीडिया उन्नत तकनीक के अंतर्गत आ जाता है, हाइपर टेक्स्ट के, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138, और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग में आने वाली दो उपकरण बताइए। ऑप्शन इंटरनेट, टेलीफोन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और डी कंप्यूटर। तो 138 का जो विकल्प हमारा सही होगा, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139, OHP का विस्तृत रूप क्या है? 139 का तो आवर हेड प्रोजेक्टर इसको कहते हैं, हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, आवर हेड प्रोजेक्टर इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 140, मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के मोबाइल में उपयोग होता है? ऑप्शन ए सैमसंग, बी नोकिया, सी ब्लैकबेरी और डी एप्पल। तो मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के मोबाइल में उपयोग होता है? तो वह होता है किसमें? तो एप्पल कंपनी के मोबाइल में होता है, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब हमारा 10 प्रश्न जीवन कौशल के आ गए हैं। प्रश्न नंबर 147, जीवन कौशल का वह कौन सा कौशल है जो व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के विचारों और दृष्टिकोण का आदर करते हुए जीवन को उनके नजरिए से देखने योग्य बनाता है? ऑप्शन ए तदानुभूति, बी विश्लेषणात्मक सोच, सी समानुभूति और डी संप्रेषण। तो देखिए, जब उनके नजरिए की बात हो जाती है तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाता है 141 का। प्रश्न नंबर 142, बुनियादी जीवन कौशल के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन ए निर्णय लेना, ऑप्शन बी प्रभावी संप्रेषण और सी प्रभावात्मक संपदा और डी ये सभी। तो हमारा जो विकल्प इसका सही होगा वो सभी सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका। प्रश्न नंबर 143, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है एक निजी, ऑप्शन बी स्वायत्त और सी निजी स्वायत्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है वो आपको बताना है। 143 का जो है स्वायत्त है, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्लेसर, बी किलपैट्रिक, सी मैकडोनाल्ड और डी विक्टर ब्रूम। तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 44 का ए वाला विकल्प रॉबर्ट ग्लेसर ने किया था, ए वाला विकल्प 44 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145, विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आत्मानुभूति, ऑप्शन सी आत्मसंयम और डी ये सभी। तो 145 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो होगा सी वाला विकल्प, आत्मसंयम वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 145 का सी वाला विकल्प, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 146, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर होने वाली शक्ति परिवर्तन है जो प्रभावशाली जागृति तथा पूर्वानुमानित उद्देश्य प्रक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन ए पॉल ब्रटन, बी एंटीवियर, सी एल्सबर्ग और डी मैकडोनाल्ड। तो 46 का कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? वो होगा डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 147, एक कुशल शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए नेतृत्व क्षमता, बी मानवीय गुण और सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 147 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वह होगा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने शिक्षण प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? ऑप्शन ए किलपैट्रिक, बी विक्टर ब्रूम, सी ग्लेसर और डी मैकडोनाल्ड। कौन सा विकल्प सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प किलपैट्रिक सही हो जाएगा, 48 का ए।
149 मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ए उच्च न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी मान्यवादी और डी राष्ट्रपति। तो हमारा विकल्प जो है उच्च सर्वोच्च न्यायालय जो है सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर डी और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, शिक्षा में पुरस्कार का प्रमुख महत्व क्या है? ऑप्शन ए छात्रों में प्रोत्साहन उत्पन्न करना, बी छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करना और सी आर्थिक सहायता प्रदान करना और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे हमारा सुपर टेट प्रैक्टिस सेट पहला, जिसमें हमने 150 प्रश्न कर लिए। अगर आप लोगों ने जितने भी प्रश्न सही किए होंगे तो ज़रूर उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।